पड़ाव पर जाकर के पहुंचा है और चंद्रमा के ऊपर जाकर पहुंचा। ये वार्ता मुझे बार बार रोमांचित करती है। स्वतंत्रता के पश्चात भी अनेक दशकों तक हम लोग पराभव का अनुभव करते रहे। दुर्देव से इस देश के इतिहास विदों ने मुख्य इतिहास को छिपाया और यह कह दिया कि द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज हिस्ट्री ऑफ इंसर्जेंट डिफीट्स, नॉट इट्स हिस्ट्री ऑफ इंसर्जेंट स्ट्रगल। अनेक देश नष्ट हो गए लेकिन शताब्दियों के आक्रमणों के पश्चात भी भारत पुनः आज अपने उसी गौरव के साथ खड़ा हो रहा है कि देख करके मन भराता है। भारत खड़ा हो रहा है, इसका चिन्ह जिस प्रकार चंद्रयान का अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचना यह है, उसी प्रकार भारत की हमारी मातृशक्ति के विकास के लिए इतने बढ़िया कार्य किए जा सकते हैं यह देख करके ही मन भरा। निरंतर योगों के सामने बोलते रहता, योगों में ही काम करता। गीता परिवार का कार्य हम लोगों ने आरंभ किया वह 1986 में आरंभ किया, तो आप समझ सकते हैं 36-37 वर्षों से हम गीता का काम बालकों में और युवकों में ही कर रहे हैं। और आज कोविड में जब हमारा काम अवरुद्ध हो गया उस समय learngita.com इसको आरंभ करके हम लोगों ने गीता का प्रचार आरंभ किया और आज की घड़ी में 170 देश के 6.5 लाख लोग गीता सीख रहे हैं। देश और 6.5 लाख लोग भगवत गीता के लिए हम लोग जी जान से लगे हुए हैं क्योंकि राष्ट्र के उत्थान के सारे सूत्र हम लोगों को भगवत गीता में प्राप्त होते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति अत्यंत श्रेष्ठ है और इस संस्कृति के महान उद्गाता जिनके कारण मध्ययुग में हमारा धर्म टिका रहा, उन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की यहां जयंती है। यह भी मेरे लिए एक अत्यंत आह्लाद का विषय है कि उस पवित्र अवसर पर मैं आपका दर्शन कर रहा हूं। हमारी प्राचीन वैदिक संस्कृति अत्यंत श्रेष्ठ रही और मध्ययुगीन आचार्यों ने अत्यंत श्रेष्ठ काम किया, वे सारी बातें अपने स्थान पर है, किंतु अत्यंत भीषण आक्रांताओं के कारण जब यह सारा देश किन कर्तव्य विमूढ़ हो गया था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, गौवें काटी जा रही थी, महिलाओं के लगातार अपहरण हो रहे थे और संस्कृति का नाश करने का एक अघोषित नहीं घोषित कार्यक्रम सदियों तक चला था, ऐसी स्थिति में भी उत्तर भारत में धर्म बचा है। इसका कारण रामचरित मानस है और रामचरित मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास। आज उनको वंदना नहीं अर्पित करूं तो कर्तव्य चूक जाएगा ऐसा होता है। भगवत गीता का प्रचार करने में हम लोग जुटे और हम लोगों ने अपने सामने एक ही वाक्य रखा, गीता पढ़े पढ़ाए जीवन बीताए। मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च वाक्य क्या हो सकता है, गीता पढ़े पढ़ाए और जीवन बीताए। भगवत गीता के हम आग्रही इतने क्यों बने हैं, इसका सीधा सीधा कारण है मित्रों, मनुष्य अपने जीवन में ज्ञान के प्रकाश में ही आगे बढ़ सकता है। भारत की सबसे बड़ी विशेषता यह है, इस देश ने सर्वदा ज्ञान की आराधना को सर्वोच्च स्थान दिया है। भाषा शब्द का अर्थ क्या है, भाई आने आभा
है प्रकाश। ज्ञान के प्रकाश में जो निरंतर पूरी तरह मग्न रहा उस देश का नाम भारत है। हम ज्ञान के प्रकाश के आकांक्षी लोग हैं। और इसलिए एक वाक्य हम सुनते थे, लेट अस ऑलवेज कम फ्रॉम द ईस्ट। स्वामी विवेकानंद ने कहा नो, लेट अस ऑलवेज कम फ्रॉम इंडिया, इंडिया एंड इंडिया अलोन। ज्ञान का प्रकाश इस देश ने दिया और यह वहां उच्चतम से लेने की आज आवश्यकता है। मेरे सामने इतने विषय आते हैं आप जैसे बालकों के समक्ष बोलने के लिए क्या क्या बोलूं। हम सब लोगों को हमारे इतिहास से वंचित रखा गया, हमारा सच्चा इतिहास अभी तक हमारे कोर्सेज में आया नहीं है। हम जो पढ़ रहे हैं वह इतिहास बहुत बड़ी मात्रा में अधूरा भी है और गलत भी है। ध्यान रखना, वैज्ञानिक योगदान क्या है हमारे देश का, हमारे देश का दार्शनिक योगदान क्या है, हमारे देश का कला के क्षेत्र में योगदान क्या है, हमारे देश का क्रीड़ा के क्षेत्र में योगदान क्या है, इन सारी बातों को लेकर के मैं अब अगले ही महीने मुंबई में 7 दिन कथा करने वाला हूं और उसका नाम है भारत भक्ति कथा। भारत की भक्ति, हमारी संस्कृति अत्यंत महान है, महानतम है। हम लोगों की बुद्धि को रौंद दिया गया, हम लोगों की बुद्धि को उभरने नहीं दिया गया और बार बार हम लोगों के ऊपर यही बात थोपी गई कि आप तो दजियानुषी लोग थे, अंधश्रद्धा वाले लोग थे, आपके यहां कोई ज्ञान था नहीं, सारा ज्ञान तो यहां पर अंग्रेजों ने आकर के हम लोगों को दिया है। यह सब कुछ हम लोगों को जो पढ़ाया गया यह अत्यंत झूठ है। और मैं आपके पुस्तक के नाम, पुस्तक का नाम बताता हूं, द ब्यूटीफुल ट्री। महात्मा गांधी जी ने एक भाषण किया था गीता की ओर, मैं आऊंगा गीता की ओर में आकर के आपको जो चाहे बता सकता हूं, लेकिन सबसे पहली बात यह है भगवत गीता का ही पहला सूत्र है कि सबसे पहले हमारा आत्मविश्वास जागृत होना चाहिए और आत्मविश्वास जागृत होने के लिए हमें अपनी जड़ों का पहले ज्ञान होना चाहिए। गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने भाषण दिया और उसने कहा यू पीपल हैव डिस्ट्रॉयड द ब्यूटीफुल ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। आप लोगों ने भारत की शिक्षा के सुंदर वृक्ष को समाप्त कर दिया। गांधी जी के उस वाक्य को लेकर के एक गांधीवादी अत्यंत अच्छे अध्ययनशील महापुरुष जिनका नाम धर्मपाल रहा, ये नाम आप जान करके रखिए, लिख करके रखिए, कभी आपकी लाइब्रेरी में इन पुस्तकों को लाइए और इन मेरी सारी बहनों को पढ़ने दीजिए। यदि ये बहनें उन पुस्तकों को पढ़ेगी तो इनमें से झांसी की रानी खड़ी हो जाएगी। एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द ब्यूटीफुल ट्री। इस पुस्तक का नाम जब मुझे पता चला यह 45 वर्ष पूर्व की बात है, मुझे पुस्तक कहीं पर भी मिली नहीं। आखिर दिल्ली के एक लाइब्रेरी से मैंने फोटोस्टेट करके उसको मंगवाया, अब तो उसका अनुवाद सभी भाषाओं में भी उपलब्ध है। लेकिन उसमें क्या है, इसलिए सन 1818 से पूर्व भारत में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, इसका डेटा धर्मपाल जी ने दिया और उन्होंने भारत के हर जिले में कितने गुरुकुल थे, उनमें कितने छात्र पढ़ते थे, क्या क्या विषय पढ़ाए जाते थे, कितने अध्यापक थे, यह सारा दिया। अच्छा कहां से दिया, अंग्रेजों की एक नीति थी, वे जो भी काम करना चाहते थे पहले उसका सर्वे किया करते थे, तो उनको एक नई अंग्रेजी शिक्षा नीति हम लोगों पर लाद दी। उसके लिए अंग्रेजों ने सबसे पहले
भारत में शिक्षा कैसी है इसका जो सर्वे कराया और वो सर्वे गैजेट में प्रकाशित किया। उन ब्रिटिशों के गैजेट्स का उपयोग करके धर्मपाल जी ने अपनी पुस्तक लिखी और इसलिए उन्होंने जो प्रूफ दिए हैं, जो प्रमाण दिए हैं, वो 100% पक्के प्रमाण है। और उन्होंने उसमें बताया है इस देश का एक भी जिला ऐसा नहीं था जिस जिले में अनेक गुरुकुल नहीं चलते थे। भारत में उस समय मोर देन 70% लोग शिक्षित लोग थे, मोर देन 70%। आज भी नहीं है। इस भारत को रौंदा गया और शिक्षा नीति के माध्यम से रौंदा गया। मेघालय का एक वाक्य आप ध्यान रखना, इंडिया हैज बीन कॉन्क्वर्ड वंस, इट मस्ट बी कॉन्क्वर्ड अगेन, एंड द सेकंड कॉन्क्वेस्ट मस्ट बी थ्रू एजुकेशन। भारत को हमने एक बार जीता है, लेकिन भारत को यदि सदा सदा के लिए गुलाम रखना होगा तो हम लोगों को इन लोगों की शिक्षा नीति बदलनी पड़ेगी और ऐसे लोग तैयार करने पड़ेंगे जो लोग केवल उनके खून और चमड़ी में तो हिंदू रहेंगे लेकिन दिल और दिमाग से अंग्रेजों के प्रेमी बन जाएंगे। और वह सब उन्होंने किया। स्वाधीनता के अमृत वर्ष में हम लोगों को सबसे पहले हमारे देश के इस मूल इतिहास को जानने का प्रयास करना चाहिए। और जब आप जानेंगे तब आपको पता लगेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में यह देश कितना अग्रणी था, अग्रणी, सबसे अग्रणी था। मैं जितना विदेशों में गया सर्वदा मैं पढ़ता ही रहता हूं वहां पर, और मेरे ध्यान में एक बात आई कि आजकल अंग्रेजी में चार विषयों पर लेखन सबसे अधिक होता है। पहला विषय मैनेजमेंट, दूसरा विषय सेल्फ हेल्प, तीसरा विषय लीडरशिप और चौथा विषय रिलेशनशिप। और इन चारों विषयों में भारत का ज्ञान आज के भी सारे ज्ञान से ऊपर है, ध्यान रखना। मैं जब वहां पर अंग्रेजी पुस्तकें पढ़ता था तो मेरे ध्यान में आता था कि ये मैं विचार तो अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं लेकिन ये मैंने रामायण में पढ़ा है, ये मैंने महाभारत में पढ़ा है। और वहां से लौट करके आने के पश्चात मैंने फिर नए सिरे से मेरे अध्ययन का आरंभ किया और ध्यान में आया कि हमारा ज्ञान, इन सारे विषयों का ज्ञान सर्वोपरि मुख्य बात। इस सारे ज्ञान को यदि हम थोड़े में प्राप्त करना चाहते हैं, थोड़े, तो हम लोगों को एक ही पुस्तक की शरण में चले जाना चाहिए। भगवत गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता ही पढ़ो। चाहे आपको मैनेजमेंट जानना है, चाहे आपको सेल्फ हेल्प के लिए काम करना है, चाहे आपको लीडरशिप के सूत्र जानना है, चाहे आपको रिलेशनशिप के बारे में जानना है, एक गीता सबके लिए पर्याप्त है, एक गीता। और इसलिए हमारी परंपरा में कहा गया, गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा कृष्णता। गीता सुगीता कर्तव्या, आप और जो पढ़ना है पढ़िएगा, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िएगा, लेकिन भारत में जन्मे हुए हर बालक को भगवत गीता पढ़े बिना तो रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यदि वो गीता को नहीं पढ़ेगा तो जीवन में एक अत्यंत बड़ा नुकसान स्वयं का कर देगा। इतना सारा भगवत गीता में दिया है। आप लोगों को ऐसे लगता है कि भगवत गीता एक धर्म ग्रंथ है, अरे केवल धर्म ग्रंथ होता तो उसका उपदेश मंदिर में होना चाहिए था, उसका उपदेश हिमालय की किसी गुफा में होना चाहिए था, उसका उपदेश किसी तीर्थ में होना चाहिए था, किसी आश्रम में होना चाहिए था। भगवत गीता संसार का एकमात्र ग्रंथ ऐसा है जिसका उपदेश रणांगण में हुआ है, समरांगण में हुआ है, कुरुक्षेत्र के समरांगण में दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी है और दोनों के मध्य में भगवान ने गीता का उपदेश किया है। क्योंकि भगवान हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि जो युवा अपने जीवन के क्षेत्र में उतरता है उसको एक समरांगण ही सामने दिखता है। दिस कम टू कंपटीशन एंड यू हैव टू
फाइट, यू हैव टू स्ट्रगल। और ऐसे समय में उसको अपने मस्तक को शांत रख करके निर्णय लेने की क्षमता कैसे विकसित करनी चाहिए, इसके सूत्र दिए बिना वह जीवन में सफल नहीं होगा। और इसलिए कुरुक्षेत्र के रणांगण में भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया हुआ और जिनको अभियुक्त बनाकर के हम सब लोगों के लिए दिया हुआ यह अद्भुत शास्त्र भगवद गीता है। जिसने जिसने गीता पढ़ी, हमारी परंपरा की तो बात छोड़ दीजिए, हमारी परंपरा में भगवान जगतगुरु शंकराचार्य महाराज से लेकर के आज तक के सारे विचार भगवद गीता पर लट्टू है। लेकिन विदेशों में भी भगवद गीता की लोकप्रियता सर्वाधिक है। थोरो के वाडे से गांधी जी ने आश्रम की कल्पना का स्वीकार किया था। जब ये थोरो इमर्सन से मिलने के लिए गए, जब इमर्सन थोरो से मिलने के लिए गए तो वहां कुटिया को निराश करते थे, पर आते जाते सांपों को इमर्सन ले लिया। तो पूछा कि हाउ डू यू लिव हियर, तो थोरो ने कहा वेयर इज फियर वेयर मदर गीता इज देयर। इमर्सन को सबसे उत्तम भेंट के रूप में भगवत गीता प्रदान की। जो गुरु नाम में लिए ये विश्व के महानतम विचारकों के नाम है, विश्व के महानतम विचारकों को भगवत गीता ने सम्मोहित कर दिया। इतना गीता में भरा हुआ है, इतना। और जो गीता में भरा हुआ है वो तो महासागर है। हम लोगों को थोड़ा सा विचार उसका केवल करना है। गलत गात तो होकर के अर्जुन करा है और भगवान ने उपदेश का आरंभ किया। और उपदेश के आरंभ में ही भगवान ने एक डांट अर्जुन को पिला दी, बढ़िया डांट पिला दी। कै ब्रह्मास्मगम पार्थ नहीं तत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ फलं तप। देखो भगवद गीता में वेदांत है, भगवद गीता में योग है, भगवद गीता में बहुत कुछ है, लेकिन सारी बातें एक साथ समझने की आवश्यकता नहीं है। आरंभ में भगवान ने क्या किया, अर्जुन रो रहा है और भगवान ने एक फटकार लगा। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे भगवद गीता के सारे श्लोक बड़े अच्छे हैं लेकिन ये श्लोक मुझे सबसे प्रिय है। भगवद गीता के अलग अलग श्लोक अलग अलग महापुरुषों को प्रिय है और वो सूची यहां पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन स्वामी जी कहा करते थे मुझे सबसे प्रिय ये श्लोक है क्योंकि ये श्लोक मनुष्य के भीतर आत्मविश्वास का जागरण करता है। और यदि मनुष्य को अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसको कभी भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। मैं जीतूंगा ये विश्वास उसको अंतकरण में निरंतर रखना चाहिए, मैं जीतूंगा। निर्भयता से आप अपनी परिस्थितियों की ओर देखना आरंभ करेंगे तो अपने आप आगे बढ़ेंगे। अनेक बार शक्ति हमारे पास होती है लेकिन मन कच्चा हो जाता है और मन के कच्चे होने के कारण हम लोग हार जाते हैं। यह बात मुझे महत्वपूर्ण इसलिए भी लगती है मित्रों, मैं छात्राओं के सामने बैठा हूं, कितनी घटनाएं मैंने पढ़ी है कि परीक्षा का रिजल्ट आया और छात्रा ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली, विचित्र बात तो पिछले वर्ष की पुणे की मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक छात्रा केवल सेकंड आई, फेल नहीं हुई, उसे फर्स्ट आने की बहुत इच्छा थी और वो सेकंड आ गई, उसने आत्महत्या कर ली। इतना मन कमजोर होना चाहिए? यदि जीवन के क्षेत्र में आप सफल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को मजबूत बनाना आवश्यक है और मन को मजबूत बनाने के लिए इस प्रकार की भावना अंतर्जन में रखना अत्यंत आवश्यक है। आई विल विन, मैं जीत करके दिखाऊंगा, मैं जीत करके दिखाऊंगा। अनेक बार हमारे भीतर क्षमताएं होती है लेकिन डर के कारण वे क्षमताएं काम
मुकाबला जीतने के लिए नरवीर तान्हा जी रात्रि के समय ऊपर चढ़कर के गए, साथ में उनकी सैनिक थे। और हो क्या गया, उदय भानु के साथ युद्ध करते हुए नरवीर तान्हा जी वीर गति को प्राप्त हुए। तान्हा जी वहां पर गिर गए और सेना भागी। हम लोगों का यह सबसे बड़ा दुर्गुण रहा है कि नेता जी गिरते ही हम सब लोग भागने लग जाते हैं। तो सेना वहां से भागी। तान्हा जी के एक भाई थे सूर्या जी, उसने उस भागती हुई सेना से कहा कि देखो भाई, जिन रस्सियों से आप ऊपर चढ़ करके आए हैं रात्रि के समय, मैंने उन सारी रस्सियों को काट डाला है, और इसलिए अब आपके सामने केवल दो विकल्प है। शौर्य था लेकिन विश्वास नहीं था। किसी भी स्थिति में मनुष्य को अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। इसलिए गीता को जीवन में उतारना है तो सबसे पहले अपने मन को सरल बनाइएगा। स्वामी विवेकानंद के जीवन की घटना, स्वामी वाराणसी में रास्ते से जा रहे थे और बाहर, और कुछ बंदर उनके पीछे पड़ गए। कुछ बंदर पीछे पड़ गए तो फैमिली भागे। वैसे बंदा के लोगों को बंदरों की आदत नहीं होती है, तो स्वामी जी भागे। स्वामी जी आगे आगे भाग रहे, बंदर पीछा कर रहे। एक बूढ़े साधु ने यह दृश्य देखा और उसने कहा, ऐ साधु भागो मत, खड़े हो जाओ, बंदरों की ओर देखो। उसकी बात को सुना तो स्वामी जी खड़े हो गए और पीछा करने वाले बंदरों की ओर मुड़ करके उन्होंने तर्क करके जैसे देखा, अब बंदर भाग गए। संकटों से भागने का प्रयास करेंगे तो संकट का पीछा करेंगे। संकटों की ओर देखो साहस के साथ, संकट देखेंगे मैं गए। संसार की सारी शक्तियों से बड़ी शक्ति है मन की शक्ति, और इस मन की शक्ति को किस प्रकार विकसित और करना चाहिए, कभी आप योगवासिष्ठ का भी अध्ययन कीजिएगा। वो पूरा केवल एक इस मन शक्ति पर आधारित ग्रंथ है। भगवत गीता में सारे सूत्र भी आपको मिल जाएंगे। पार्थ नहीं तत्त्वी उपपद्यते शुद्रम प्रभेद और बल्यम चतुर्तिष्ठ पर उत्तिष्ठ। भगवान कहते उठो, बॉक्सिंग के खेल में एक दूसरे के लिए घुसाबाजी होती है, आप लोग जानते हैं। लेकिन बॉक्सिंग के खेल में खेल किसको मानते हैं, कौन हार गया ऐसा कहते हैं। बॉक्सिंग खेलते खेलते जो नीचे गिर गया उसको फेल नहीं करते हैं, जिसने नीचे गिरने के बाद उठने से मना किया वो फेल। इसलिए एकाधार फेल हो गए, नीचे गिर गए, कुछ गलती भी हो गई, ध्यान ये रखना चाहिए कि जीवन इतना छोटा नहीं है, जीवन महान। और उसके लिए मुझे पुनः अपने बल को बटोर करके खड़ा होना चाहिए। Have the confidence first। मैं जीतूंगा, मैं जीत करके रहूंगा। और जो रोज ये वाक्य बोलता है कि मैं जीतूंगा, मैं जीत करके रहूंगा, एक दिन विजय उसके हाथ में आ करके रहेगी। और इसलिए हमारे वेदों में मंत्र आता है ऋग्वेद में, अहम इंद्रो न पराजित के, मैं इंद्र हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मैं पराभूत होऊंगा, मैं आगे ही बढ़ूंगा, मैं सफल होकर के रहूंगा। जैसे आप सोचते हैं कि मैं सफल होकर के रहूंगा, सफलता अपने आप आपके समीप आने लगती है। लेकिन इस प्रकार का केवल निश्चय करना उपयोगी नहीं है, उसके अनुसार हमारा जीवन भी बनना चाहिए। और जीवन ऐसा बनते हुए असफलताओं को पार करते करते जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए अब्राहम लिंकन ने अपने सामने लक्ष्य रखा। वो अत्यंत साधारण परिवार में जन्मे हुए थे,
मुझे अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है। अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना एक कितनी बड़ी महत्वाकांक्षा है। लेकिन उस अब्राहम ने उस समय से अपने मन में रखा, आपको क्या बताऊं, 3 बार वो फेल हो गए, उनकी प्रिय पत्नी का बीच में देहांत हो गया, उनका व्यवसाय 2 बार डूब गया, 17 बार पराभूत होने के पश्चात अब्राहम एक दिन प्रेसिडेंटशिप की कुर्सी पर जाकर के विराजमान हो गए। आई विल विन, मैं जीतूंगा, ये आकांक्षा तक करने लगी चाहिए। धर्मना भगवत गीता वीरों का शास्त्र है, एक योद्धा ने दूसरे योद्धा को कहा हुआ शास्त्र है, ये पराभव का शास्त्र नहीं है, ये विजय का, इट्स अ बुक ऑफ सक्सेस एंड इट्स अ हैंडबुक ऑफ सक्सेस। हमारे ग्रंथ बहुत बड़े बड़े हैं, अब इतने ग्रंथों को हम कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, लेकिन जब परीक्षा समीप आती है और पुस्तकें पड़ी हुई नहीं होती है तो आप लोग क्या करते हैं, गाइड के लिए भगवत गीता ये हमारे संपूर्ण जीवन की सफलता का गाइड है। ध्यान रखना एकाग्रमन कृत्वा, एकाग्रमन और यह यश की प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो रात दिन आपको सबसे पहले अध्ययन करना पड़ेगा। बाकी लोगों के सामने मैं अन्य बातें बोलूंगा, आप लोगों को अभी देकर स्वाध्याय गीता का कहते हैं, आपका पढ़ाई करना यही आपका तप है। आप कितना पढ़ते हैं, कितने घंटे, आज मुझे व्यक्ति मिलने के लिए आया, उसको डॉक्टर बनना था, मैंने कहा कितना घंटा पढ़ते, मैंने कहा कम से कम 6 घंटा पढ़ते, मेरे पास आने वाले हर व्यक्ति को मैं उसके अनुसार बात करता हूं। महान लक्ष्य करके परमतत्व में विश्वास करके भी यदि आप अध्ययन का तप नहीं करेंगे तो महान नहीं बन सकते हैं। कितना पढ़ना चाहिए, पढ़ते ही रहना चाहिए, आप लोगों को और काम क्या है, और पढ़ने के लिए महामानव डॉक्टर अंबेडकर जी का जीवन अपने सामने रखना चाहिए। यू नो अंबेडकर, कितना पढ़ा अंबेडकर जी ने, रात दिन पढ़ने का ही काम किया, क्योंकि बचपन से उनके सामने एक लक्ष्य था, मुझे मेरे समाज का उद्धार करना है, मेरे समाज का उद्धार करना है। विदेश से लौटते समय अंबेडकर जी ने अपने साथ में कुछ भी नहीं लाया, केवल ग्रंथ लाए, ग्रंथों को रखने के लिए उन्होंने एक विशाल घर बनाया। पूरे जीवन भर कभी भी रात्रि में 2 बजे से पहले वे सोए, दो बजे के पहले हम भी सोते नहीं, व्हाट्सएप देखते देते हैं, डूबते जाते हैं, हम भी डूबते हैं और अपने साथियों को भी डुबाने का काम करते जाते हैं। रात दिन उस महापुरुष ने पढ़ाई की, उसका परिणाम था एक अत्यंत सामान्य घर से आया हुआ वो बच्चा, जिसको इस प्रकार का विद्यालय कभी नहीं मिला था, विद्यालय में एसी कमरे में बैठ करके पढ़ने का सौभाग्य तो उसने कभी देखा ही नहीं था। समाज उस समय की गलत व्यवस्था के कारण उनको कक्ष से बाहर बैठ करके सुनना पड़ता था। इतनी आपदाओं को झेल करके उन्होंने जो अध्ययन किया है वो अध्ययन केवल अद्भुत अध्ययन है, और इसी कारण वे स्वयं हमारी हमारे संविधान के शिल्पकार बन सके, इतना बड़ा सम्मान उनको प्राप्त हुआ, उसके पीछे उनका तप है। डॉक्टर अब्दुल कलाम के सारे महानता के पीछे उनका इतना तप है।
अध्याया कृष्ण जैव वाणमयन भगवदगीता कहती है स्वाध्याय करो, पढ़ते रहो। अच्छा पढ़ लिया, दो शब्द कहे स्वाध्याय और अभ्यसनम। अभ्यास का अर्थ क्या है? पौन पुण्य न करणम अभ्यसनम। एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, दस बार पढ़ो, आपका पढ़ा हुआ इतना होना चाहिए कि आपके परीक्षक को आपका डर लगना चाहिए, कि परीक्षक को लगना चाहिए कि ये मुझसे ज्यादा जानता है, तब आपकी जीत है। बचपन से मुझे अंग्रेजी की चार पंक्तियां बहुत बुरी है। द हाइट्स आर ग्रेट फिल्म टीच कैन के द हाइट्स आर ग्रेट फिल्म टीच कैन के वेर नॉट टेक बाय सडन फ्लाइट बट दे वेन देयर कंपेनियन स्लेप वेर बाइलिंग अपवर्ड्स इन द नाइट बाइलिंग अपवर्ड्स इन द नाइट। कितनी सुविधाएं परमात्मा ने दी थी, हमने उनका उपयोग नहीं किया। इन सुविधाओं का उपयोग करते आना चाहिए और इसके लिए हम लोगों को एक बात में और ध्यान देना चाहिए। वो बात है मुझे अपने जीवन में क्या बनना है, इसका लक्ष्य निश्चित रूप से निर्धारित कर लेना चाहिए। मुझे क्या बनना है, हमारी प्राचीन पद्धति में यह बात बचपन में तय हो जाती थी और अभी का जो ढर्रा चला है ना, ये बच्चा हो गया 20 साल का, 22 साल का, अरे तुम आगे क्या करने वाले हो, देखता हूं, ये भी ट्राई करूंगा, वो भी ट्राई करूंगा, ये भी ट्राई, वो भी ट्राई करने वाला कहीं पहुंचने वाला नहीं है। ध्यान रखना, जीवन का एक लक्ष्य बनाए और वह लक्ष्य बनाते समय आप अपने अंदर के गुणों का विचार कीजिए। आज दुबई में से बात ऐसी हो गई, पिताजी का मत ऐसा है, मां का मत वैसा है, फिर बेटे को क्या करना चाहिए, क्या बनना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ, वृंदावन की बात, आश्रम विराट के आया हुआ नया कपल था और जब उनका झगड़ा हो गया, जरा मतलब कला चला था जोर जोर से, तो नीचे स्वामी जी ने सुना तो बुलाओ क्या हो गया, उनके परिचित लोग थे तो दोनों आए, फिर प्रणाम किया, कब क्या इतनी जोर से बस क्या चली थी। तो पक्की ने कहा ये चाहते कि हमारा बच्चा इंजीनियर होना चाहिए और मैं चाहती हूं कि डॉक्टर होना चाहिए। दोनों ने अपनी अपनी बात कही, स्वामी जी ने कहा वो बच्चा कहां है, ना बच्चा भी होना बच्चा अभी होना है, उसके ऊपर थोपने के लिए माता पिता इतने तुल पड़े, दिस इज वेरी रॉन्ग हैबिट ऑफ द सोसाइटी। मैं तो हर बालक से यह कहता हूं, आस्क योर ओन कॉन्शियस व्हाट यू वांट टू बी एंड चूज दैट अलोन। स्वधर्म शब्द का उच्चारण करते समय देखो, धर्म शब्द का अर्थ रिलीजन नहीं होता है, माई ओन ड्यूटी। धर्म शब्द का अर्थ होता है गुणधर्म, द प्रॉपर्टी। परमात्मा ने हरेक को भीतर कुछ और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी दी है, एंड वी आर बॉर्न विथ सम प्रॉपर्टीज, वी मस्ट नो द प्रॉपर्टी व्हाट आई एम बॉर्न फॉर, और उसी को चूज करके आगे चलेंगे तो आप शिखर पर पहुंच जाएंगे। मैं आपको उदाहरण देता हूं, रविन्द्रनाथ टागोर आपको पता होना चाहिए, स्कूल छोड़ के भाग गए। क्यों भागे? उनको गणित नहीं आता था, उनके गणित के टीचर ने कहा तुम घर का नाम डुबो दो,
ये कहते रवि वहां से अपने बस्ता लेकर के उठा चला गया और घर पर आकर के कहा मैं स्कूल का मुंह देखने वाला नहीं। क्यों? तुमको गणित आता नहीं था। अरे ही वाज नॉट बॉर्न फॉर मैथमेटिक्स, ही वाज बॉर्न फॉर पोएट्री। पोएट्री के क्षेत्र में उन्होंने जो काम करके दिखाया हम सब लोग जानते हैं। साहित्य के काव्य के क्षेत्र में वे हमारे देश के शिरोमणि बन गए। नाउ ऑन द अदर हैंड श्रीनिवास रामानुजन नाटक का नाम सुना है? बॉर्न फॉर मैथमेटिक्स, उनके जितना बड़ा मैथमेटिशियन आज तक हुआ नहीं। वे जब स्कूल में पढ़ते थे उस समय एमए का मैथमेटिक्स उनके सामने लाया जाता था एंड विद इन सम सेकंड्स ही गिव द आंसर सॉल्यूशन। अब यदि श्रीनाथ रामानुजन को साहित्य पढ़ाने बैठेंगे तो क्या होगा? उसका तो दिमाग खराब हो जाएगा। और टागोर को गणित पढ़ाने बैठेंगे तो क्या होगा? वही बात है। इसलिए आपकी माँ क्या कहती है, पिताजी क्या कहते हैं, माता पिता की अवहेलना करो ऐसे मैं नहीं करूंगा, लेकिन विनम्रता से उनको समझाइए कि माय मॉम आई एम बॉर्न फॉर दिस। फिर आप पेंटिंग के लिए है, कला के लिए है, गाने के लिए है, कि डॉक्टर बनने के लिए है, कि इंजीनियर बनने के लिए है, कि आपको वैमानिक बनना है, कि आपको मिलिट्री में जाना है, आप निश्चय करो और उसी क्षेत्र को चुन करके उसी में आगे बढ़ने का प्रयास करो। इसको कहते हैं स्वधर्म। माय ओन इंटेंडिंग प्रॉपर्टीज आई विल क्यू फॉर दोस। यदि और इसके लिए आपको इंट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, आप दूसरे के मत से भी नहीं चाहिए। अनेक बार क्या होता है लोगों में जो प्रचलन होता है उसके पीछे दौड़ते हैं आजकल, उसको ये अच्छा लगता है, उसको ये अच्छा लगता है, उसका नाम अखबार में आता है, वो एकदम सोशल मीडिया में वायरल हो गई है, ऐसा सोच करके आप उस मार्ग में दौड़ने का प्रयास करेंगे, आप अंततोगत्वा आप फेल होने वाले हैं, आप कोई यश प्राप्त नहीं करेंगे। क्योंकि जब मनुष्य को अपना प्रिय टॉपिक मिलता है ना काम करने के लिए, तो कितना भी काम करके वो उसको थकाने नहीं आता। और यदि अपना इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं मिला तो आदमी थोड़े नहीं बोर हो जाता है, होता है कि नहीं बोलो? इसलिए आस्क योर ओन कॉन्शियस, फाइंड आउट व्हाट फॉर योर बॉर्न। देखो परमात्मा ने सबको कुछ जरूर दिया है, हम यहां पर जन्मे हैं ऐसी कोरा स्लेट टूट के बनकर के नहीं आए हैं। हमारे पूर्वजन्म के कुछ संस्कार भी है, उन पूर्वजन्मों के संस्कार के कारण अक्सर दो बातें होती है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। इन दोनों बातों के अनुसार आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य के लिए आप अपना जीवन न्योछावर कर दीजिए। एक दिन ऐसा आएगा सारा संसार आपके चरणों में झुकेगा और आपकी महानता को लेकिन ये सब करने के लिए आपको रेगुलर लाइफ जीना चाहिए। भगवद गीता अनुशासन पर बहुत जोर देने वाला ग्रंथ है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। रोज का मेरा अनुशासन आर्मी डिसिप्लिन। पूछू कि नहीं पूछू मेरे सामने प्रश्न है, कितने बजे उठती है? उत्तम छात्र को कभी भी सूर्योदय के समय तक सोते नहीं रहना चाहिए। सूर्य का उदय होने से पहले जो जग जाएगा वो जीवन में सफल होकर के रहेगा। देखो अपने जीवन को दीर्घायु बनाने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए प्रकृति के नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। एक बड़ा सुंदर वाक्य मैंने एक प्राकृतिक चिकित्सा की पुस्तक में पढ़ा था, यू कैन विन मदर नेचर बाय ओबेइंग हर। यू मस्ट ओबे द नेचर,
और यदि आप इस प्रकार से अपनी जीवन यात्रा को थोड़ा नियमित करने का प्रयास करेंगे तो आपकी आयु भी बढ़ेगी, आपका आरोग्य बढ़ेगा। क्योंकि एक बात और है, श्रीनिवास रामानुजन का उदाहरण ले लिया, ही डाइड एट वेरी अर्ली एज। एक अत्यंत प्रतिभावान व्यक्ति, एक अत्यंत श्रेष्ठ पढ़ा लिखा व्यक्ति जब अल्प समय में चला जाता है ना, तो वह राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान होता है। और इसलिए अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना सीखना चाहिए। और इन स्वास्थ्य भी अच्छा रखना है और चित्त को एकाग्र कर भगवत गीता का यह आग्रह है कि आपको अपने भीतर वो क्षमता विकसित करनी चाहिए जिससे आप एक विषय को लेकर के घंटों तक उसी विषय के चिंतन में लगे रहें। संसार में जिन जिन लोगों ने सफलता प्राप्त की है, वे सारे लोग चित्त को एकाग्र करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। और आज की क्लास भी आप लोगों के साथ ये है कि 20-30 मिनट हो गए तो बोर हो जाते हैं। भगवद गीता का 6वां अध्याय चित्त की एकाग्रता कैसे बढ़ाए इसके लिए, और उसमें भगवान ने ये बात कही हम सब लोगों के लिए कि फर्स्ट रेगुलेट योर लाइफ। बहुत अधिक सोना नहीं, बहुत जागरण करना नहीं, बहुत अधिक खाना नहीं, बहुत उपवास भी करना नहीं, बहुत काम में रचे बचे रहना नहीं और वो विश्राम भी करना नहीं। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदि आप अपने जीवन को अनुशासित करेंगे तो अपने आप दीर्घ जीवन आपको प्राप्त हो सकता है। गीता के अनुसार दीर्घ जीवन प्राप्त हो सकता है। मैं आपको उदाहरण बतलाता हूं। हमारे यहां पर बहुत बड़े वेद के पंडित भी हैं जिनका नाम पंडित सातवलेकर जी। उनकी क्षतिपूर्ति का प्रसंग था, तो क्षतिपूर्ति में हम लोग क्या करते हैं, कुछ उपहार वगैरह देते हैं और भाषण करते हैं कि भगवान करे आप शतायु हो, भगवान करे आप शतायु हो, ऐसे ही करते हैं ना। लोगों ने ऐसे ही भाषण किए। अंत में सातवलेकर जी बोलने को खड़े हुए और सातवलेकर जी ने कहा, लोगों ने मुझे शुभकामनाएं दी कि मैं शतायु हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं शतायु होने वाला हूं। सातवलेकर जी ने कहा, मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं 100 वर्ष जीने वाला हूं, लेकिन मेरे सामने प्रश्न यह है कि जब मेरी शताब्दी होगी तब आप में से कितने लोग कहता है कि मैं 100 वर्ष जी करके दिखाऊंगा, और आपकी जानकारी के लिए बतलाता हूं 102 वर्ष की अवस्था में केवल 1 महीना बीमार रहकर के मैं संसार से विदा हूं। सातवलेकर ने बात कही कि मैं ये गारंटी आपको इसलिए दे सकता हूं कि मैं वेदों के अनुसार और गीता के अनुसार जीवन जीता हूं, इसलिए मुझे मेरे जीवन का विश्वास है मैं 100 वर्ष के पहले तो जाने वाला नहीं हूं। भगवत गीता आपको क्या देती है आप इसे समझ जाइए मित्रों। जीवन अनुशासित होना चाहिए, मन एकाग्र होना चाहिए, आप विश्वास से भरा हुआ होना चाहिए, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। जीवन की सफलता के भगवत गीता के 2 सूत्र आपको बता दूं, क्लियर इंटेंशन एंड टोटल अटेंशन। क्लियर इंटेंशन एंड टोटल अटेंशन। आपको कहां जाना है, कैसे जाना है, ये सारा आपके सामने क्लियर होना चाहिए। और आज आप जो कर रहे हैं उसमें आपका टोटल अटेंशन होना चाहिए, पूरा चित्त एकाग्र होना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो अपने आप 2 बातें सिद्ध हो जाएंगी। भगवद गीता का अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धुनि।
तुलसीदास ज्ञानेश्वर महाराज को यह श्लोक सबसे अधिक प्रिय है। वे कहते हैं ये श्लोक मुझे सबसे प्रिय है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पात्रो धनुधरा। योगेश्वर कृष्ण और धनुधर पात्र ये जहां भी होते हैं इकट्ठे, वहां अपने आप जीवन में सौंदर्य आता है और विजय प्राप्त होती है। धनुधर पात्र का अर्थ है बॉडी फिटनेस और योगेश्वर कृष्ण का अर्थ है ब्रेन फिटनेस। यू मस्ट हैव बॉडी फिटनेस एंड देन ब्रेन फिटनेस। यदि आपने व्यायाम के माध्यम से, आहार विहार के माध्यम से, संतुलन के माध्यम से बॉडी फिटनेस रखा है और यदि आप अपने विचारों को ठीक रख करके ब्रेन फिटनेस भी रखते हैं तो ध्यान रखना सारा भविष्यकाल आपका है। राजस्थान के आप में से कोई भी कोई महिला, कोई भी कोई माता, कोई भी कोई देवी सारे राष्ट्र का भाग्य उज्ज्वल करेगी। इतनी महान